राधे राधे फ्रेंड्स, मैं कुछ प्लांट आपको ऐसे बताऊंगी जो हमेशा सालों साल तक आपके गार्डन में बनी रहेंगे। जिसमें मैं सबसे नंबर वन पे आपको एक तो तुलसा जी बताऊंगी, फिर दूसरे नंबर पे है आपके ये गुड़हल का प्लांट। देखिए हिबिस्कस का है, और आप कटिंग करके करते जाएंगे और काफ़ी सालों साल बना रहता है आपके। दूसरा मैं आपको बताऊँ, ये टर्टल वाइन है आपकी, ये भी आपके सालों साल गार्डन में बनी रहती है। आप ये देखिए, एक ये सेकुलन प्लांट है, ये इसका मुझे नाम नहीं मालूम, इसको तो मैं जितने गार्डन में से अपने उखाड़ के फेंकती हूँ उतने ही ये हो जाता है। और आपका ये देखिए जैस्मिन का है, और फ्रेंड्स से आपका ये छोटी वाली नारंगी का पौधा है, ये भी आपके सालों साल बना रहता है। मधुकामनी का है, मधुमालती है, और ये रेन लिली का है, और ये मैक्सिकन पिटोनिया है। ये आपके प्लांट में बता रही हूँ, ये सालों साल तक आपके गार्डन में अगर आ गया है तो बिना उसके नहीं जाएगा आपके गार्डन में से। ये देखिए अम्ब्रेला पाम है मेरा, ये देखो मैंने अलग बाल्टी में ग्रो किया, और इसका भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। नागचंपा है, सुख शांति है, ये भी मेरी कई सालों से है। फॉक्सटेल है, और फ्रेंड्स एक इसमें आपका नाम मैं इसका भी जोड़ूंगी, ये है आपका जूही का प्लांट। जितनी कटिंग आप करेंगे और उसको कटिंग को लगाते रहेंगे, ये काफ़ी टाइम तक आपके बना रहेगा। ये देखिए टेकोमा का है, और ये आपकी पोई का साग है। ये देखिए टर्टल वाइन की ही एक ब्रांच, एक मतलब वैरायटी एक ये है भी है आपकी, और आपका देखिए गुलदाउदी का भी है। और मैं देखा हूँ आपको काफ़ी प्लांट ऐसे हैं जो आपके गार्डन में मतलब किसी भी मशक्क़त से नहीं जाएंगे, आप हटाना भी चाहें अपने गार्डन में से तो ये सहज ही नहीं जाते हैं। और मेरे यहाँ तो फ्रेंड्स आपको पता हूँ, मेरे यहाँ गुलाब भी इसी ज़्यादा है। बहुत सौ की शिकायत होती है कि हमारे यहाँ गुलाब नहीं चलता, लेकिन मेरे यहाँ ये गुलाब भी काफ़ी है, क्योंकि मैं इसकी कटिंग करके लगाती हूँ, दूसरी जगह भी ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मेरा अपना प्लांट भी है, ये आबरा का डाबरा है मेरा, और इस टाइम देखिए इसकी फ्लावर कैसे आ रहे हैं। और आपका ये देखिए बैगन का प्लांट, और ये क्रिसमस ट्री कहते हैं इसको, ये भी आपके सालों साल बना रहता है। ये फ्रेंड्स ये देखिए मेरे बहुत छोटा सा लेके आई थी, और मेरे हाइट से काफ़ी लंबा हो गया ये। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।